जल्दी से हम इसका डब्बा खोलते और दिखाते हैं आपको एक प्रोडक्ट, लेकिन ये वीडियो आपके पास जो आएगा 2 महीना बाद। पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग छोटा होगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बॉक्स के ऊपर लिखा है रोटरी हमार हैवी ड्यूटी, जेपीटी कंपनी का ड्रिल मशीन है आपका ब्रेकिंग वाल तोड़ने वाला। अब क्या काम है पूरा आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में। यहाँ आपका 5 पाना निकलता है और ये रहा सलिया, ड्रिल करने का आपका एंगल मेजरमेंट दोनों में काम आता है। और ये आपका ड्रिल मशीन जो है 26 mm का है, जेपीटी कंपनी का है। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए 26 mm लिखा हुआ है। फिगर मत करिए, 2 महीना काम करूंगा और वीडियो भी बना के आपको दिखाते रहूंगा। अगर यहाँ पर RPM और वाट की बात करूँ तो 1200 RPM है और 1050 वाट है। RPM और वाट से आप समझ सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग ड्रिल मशीन है। आप इसका जो ओएड जो है ना थोड़ा सा हेवी है, मतलब आपका नॉर्मल ड्रिल मशीन से थोड़ा सा ज्यादा वजन है, लेकिन बेकार से काफी कम है। अब चलिए पाना में नजर डालते हैं क्या क्या मिला है। यहाँ पर जो है आपको 6 mm का एक ड्रिल पाना मिला है, एक 10 mm का और एक 12 mm का, और एक बेना मिला है मतलब जो कंक्रीट तोड़ने के लिए, और एक नहीं। अब केबल जो है आपका 3 मीटर जैसा लंबा है। अब चलिए इसमें काम करते हैं और आपको वीडियो दिखाते रहेंगे 2 महीना तक, छोटा छोटा क्लिप और कहां कहां क्या काम किया हो। लेकिन एक चीज है, सवाल मत पूछिएगा वीडियो देखे बिना, क्योंकि जो चीज मैं वीडियो में बता दूंगा वो चीज कॉमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ड्रिल मशीन का ये ऊपर का स्विच आप देख रहे हो, ये जो है आपका रिवर्स मोड है, मतलब जो ड्रिल करेंगे ना आप, अगर स्क्रू वगैरह टाइट करेंगे लूज करेंगे, इसमें आप रिवर्स करके खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, इस साइड रिवर्स हो रहा है, घूम रहा है, आप उल्टा साइड भी घूमेगा। ये चीज काफी पसंद आया मुझे, क्योंकि ये चीज कभी कभी अपना काम में भी आ जाता है। अब चलिए देखते रहिए और क्या क्या प्रॉब्लम आता है सभी बताते हैं। ये सारा कंसील्ड का ग्रुप ड्रिल मशीन से ही काटा हूँ। अब यहाँ पर जो बॉडी एट का पॉइंट देख रहे हो, इसमें से 90% जो कंसील्ड है वो ड्रिल मशीन से काटा हूँ और थोड़ा सा छेनी हथौड़ा मारा हूँ क्योंकि डिजाइन अच्छा बना रहे। कुछ दिन काम करने के बाद यहाँ पर एक चीज मुझे अच्छा लगा, जो नॉर्मल ब्रेकर होता है उसमें छेनी जो है आपका मूव नहीं होता है, जैसा रहता है उसी तरीके से आपको तोड़ना पड़ता है। लेकिन इस ड्रिल मशीन में आप नॉर्मली मूव करिए स्विच को ड्रिल मशीन में और ये छेनी को अपना पोजीशन से घुमाइए और उसके बाद जो है इसे आप फिर से ब्रेकिंग में एडजस्ट करके कंसील्ड का ग्रुप आसान तरीके से काट सकते हो। ये ड्रिल मशीन में सिर्फ हम कंसील नहीं काटे हैं, होल भी किए हैं। जहाँ जहाँ पर होल करने की जरूरत पड़ा वहाँ पर भी हम ड्रिल मशीन लेकर गए और होल भी करके देखे हैं, जो कितना आसानी होता है। हकीकत में हथौड़ा छेनी जो अपना हाथ से वो काफ़ी आसानी है और बहुत जल्द होता है, ऐसा ओपोजिशन जगह में भी इसे होल करना बहुत अच्छा होता है। और हम लोग ड्रिल भी करके देखे हैं कॉन्क्रीट में, काफ़ी सारा जगह में, बहुत सारा ये जो ग्रुप देख रहे हो इस सब जो है जेपीटी ड्रिल मशीन से ही काटे हैं। अब चलिए ड्रिल मशीन में कंक्रीट का काम कितना अच्छा से करता है वो देखते हैं। मैं एक चीज़ इसमें नोट किया हूँ, मैं कुछ दिन इसमें काम करने के बाद देखा हूँ, जो ब्रेकर है उससे अगर आप कंसील्ड का ग्रुप काटते हो तो हाथ दुख जाता है, लेकिन इसमें आप काटेंगे तो इसमें हाथ दुखेगा नहीं, आपका बैलेंस रहेगा, आप लॉन्ग टाइम कंटिन्यू काम कर सकते हो।
एक नॉर्मल ड्रिल मशीन से इसका जो ड्रिल है काफी ज्यादा स्पीड है और काफी ज्यादा जल्द होता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कंक्रीट का कंसील्ड काट के, मतलब जो कंक्रीट है उसमें कंसील्ड किस तरीके से करता है, तो इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन एक चीज है, जब भी कंक्रीट का ग्रुप काटेंगे तो ये बेना जो है जरूर लगा लीजिएगा, नहीं तो आपका छेनी से अच्छा नहीं कटेगा और जल्दी नहीं कटेगा। ऐसे हम लोग बहुत जगह में अलग अलग कॉन्क्रीट का ग्रुप जहाँ जहाँ पड़ रहा था सभी जगह इस ड्रिल मशीन से तोड़े हैं। यहाँ पर और एक चीज पता चला, जब हम लोग ग्रुप काटते हैं, जब ये जो छेनी है अगर इसका धार कम हो जाता है तो इसे जरूर धार कर लीजिएगा, क्योंकि मशीन में लोड कम पड़ेगा, नहीं तो मशीन में लोड भी ज्यादा पड़ेगा और काम में भी लेट होगा। तो इस तरीके से भी आप धार करके कंसील्ड का ग्रुप काट सकते हो। छेनी जो है उससे आप ईंट का ग्रुप काटिएगा और बेना जो है उससे आप कॉन्क्रीट का ग्रुप काटिएगा। ये जो ड्रिल मशीन है ना, इसमें हम लोग 2 महीने से कम काम किए हैं और घिसी भी काटे हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ड्रिल मशीन है, अगर आप इसे बेकार समझ के करते हो, मतलब मैं तो घिसी का वीडियो ज्यादा दिखाया हूँ, लेकिन अगर आप वैसे ही घिसी काटने के लिए सोच रहे हो पूरा लेंगे, जैसे कि आपका 10 मंजिल का बिल्डिंग है वहां पर आप काम करेंगे घिसी काटने के लिए, तो वहां पर जो है आपका मेंटेनेंस आ सकता है ड्रिल मशीन में 6 महीना कुछ भी। लेकिन हाँ, मजदूरी में आपका पोसा जाएगा, मतलब अगर आप छेनियाँ थोड़ा से जहाँ कंसील काटते हो तो वहाँ पर ड्रिल मशीन में आपका बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्द हो जाएगा। और एक चीज़ है, इसे आप बेकार समझ कर मत खरीदीजिएगा, जैसे कि आपका नॉर्मली घिसी काटना होता है वहाँ आप करिए, और ड्रिल का जो काम है ना इसमें बहुत फास्ट है, नॉर्मल जो आपका ड्रिल मशीन है, अगर आप अच्छा ड्रिल मशीन लेना चाहते हो तो इसे आप लीजिएगा। इसमें जो आपका स्लैब में जो ड्रिल करते हो, कॉन्क्रीट में कहीं पर भी ड्रिल करते हो, वहाँ पर जो है ये फास्ट बहुत चलेगा। और एक चीज़ है, अगर आप ईंट का ब्रिक काटते हो कंसील चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं, कम यूज करिएगा चलेगा। और एक चीज है, कंक्रीट में इसे आपको होल वोल वगैरह नहीं करना है, कंक्रीट घिसी वगैरह हल्का फुल्का तोड़ सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम कंक्रीट का काम नहीं करना है, कंक्रीट में होल भी नहीं करना है, ब्रेक होल कर सकते हो। लेकिन यही चीज बताऊंगा आपको, इसमें लॉन्ग टाइम जो है आप बेकार का सोच कर मत लीजिएगा, बेकार है बट नॉर्मली यूज के लिए सही है, लेकिन आप जो कंटिन्यू बेकार का काम करेंगे, घिसी काटेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो वो चीज के लिए ये नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग ड्रिल मशीन है। देख सकते हो 5 के बाथरूम में जेट पट्टी मारा है, कंक्रीट में हम लोग ड्रिल किए हैं और कंक्रीट भी तोड़ा है। तो इस सब एक चीज बताना भूल गया, यहाँ सिर्फ ये जो है प्लम्बर का काम का नहीं है, प्लम्बर भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, एसी वाले, इन सभी लोगों के लिए ये ड्रिल मशीन फायदेमंद है। इसका प्राइस जो है दोस्तों 5,000 है। अगर आप एक अच्छा ड्रिल मशीन लेना चाहते हो तो ये ड्रिल मशीन खरीद सकते हो, क्योंकि 5,000 में जो चीज मिल रहा है काफी अच्छा मिल रहा है। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। बाकी ये 4th मंजिल का बिल्डिंग देखकर आप समझ सकते हो, इसमें जो भी प्लम्बिंग का ड्रिल मशीन का काम हुआ है सभी इसी ड्रिल मशीन से हुआ है। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी बिल्डिंग में ड्रिल मशीन का काम हुआ है, अलग अलग जगह में भी ये ड्रिल मशीन हम काम किए हैं। उसके बाद ये वीडियो आपके पास लाया हूँ। और एक चीज है, ये जो कंसील जितना भी काटा हूँ ना, ये एक दिन में नहीं काटा हूँ, अलग अलग दिन मिलकर काटा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा एक दिन में एक बाथरूम काटा हूँ ताकि मशीन भी खराब ना हो। उम्मीद करता हूँ इस मेहनत को लाइक और शेयर करके जरूर सपोर्ट करेंगे। और सर जी, चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास